Good morning, all the students. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 4, Introduction to Flash S6. Today we will discuss new chapter. Chapter 4, the topic is Introduction to Flash S6. Okay, in this chapter we will see हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे सर्टेन टॉपिक्स. ओके, स्टार्टिंग फ्लैश CS6. ठीक है, पहला टॉपिक ये है. दूसरा हमारा है कंपोनेंट ऑफ फ्लैश विंडो, यानी ये दो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे. द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग फ्लैश CS6 एंड द सेकंड टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ फ्लैश विंडो. ये दो टॉपिक. सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग फ्लैश 6. उससे पहले हम जानते हैं कि फ्लैश होता क्या है. ठीक है, जैसे आजकल हम एनिमेटेड मूवीज, कार्टून और जो भी हम कंप्यूटर गेम्स, ई बुक्स जितने भी देखे हैं, उसमें आपको ऑडियो विजुअल जो इफेक्ट दिखते हैं वो सारा आपका एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है, जिसे हम एनिमेशन बोलते हैं. ठीक है, एनिमेशन के ही द्वारा हम लोग इन सभी चीज़ों को देख पाते हैं, चाहे वो हमारा कंप्यूटर पे आपका गेम हो, ठीक है, या आपका कोई मूवी हो और आपका कोई ई कॉमिक हो. ये सारे चीज़ आपको एनिमेशन के थ्रू, जो एक ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू लाया जाता है जिसके द्वारा क्रिएट कर करके, बना करके आपके सामने वो रखा जाता है. जैसे आप लोग देखते होंगे कि कार्टून पे एनिमेशन जो देखते होंगे वो किस तरीके से तैयार की जाती होगी, तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए इन सभी कार्टून कैरेक्टर को, एनिमेशन को तैयार की जाती है, तब उसे वो डेवलप किया जाता है. सो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग फ्लैश बोलते हैं. ठीक है, द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारा फ्लैश. क्या है वो? है हमारा फ्लैश. फ्लैश एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो आज पूरी दुनिया में इसे यूज किया जाता है. पूरी दुनिया में फ्लैश को बहुत ही पॉपुलर माना गया है. इसे एनिमेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, और इसे एनिमेशन और ग्राफिक्स के लिए, दोनों के लिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल की जाती है. तो फ्लैश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम इस पे ग्राफिक्स का वर्क कर सकते हैं और एनिमेशन का भी वर्क कर सकते हैं. ठीक है, सो उसके बाद आपको देखना होता है कि फ्लैश कैसे यूज होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इस पे वॉकिंग करना होता है, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, टॉपिक पे. ओके, हम लोग अभी फ्लैश के बारे में जाना. ठीक है, फ्लैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, जो हमें एक ऐसा वेब पेज तैयार करने में या ई बुक या एनिमेटेड कार्टून मूवीज़ तैयार करने में, वीडियो तैयार करने में हमें मदद करती है. तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपना कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, और फ्लैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने रिजोल्यूशन को एक सही तरीके से मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, जब हम लोग कोई भी ग्राफिक को बनाते हैं, इमेज को बनाते हैं या एनिमेटेड कुछ भी कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं, उसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो फ्लैश के द्वारा वो मेंटेन रहती है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है. ठीक है, तो कैसे हम फ्लैश को स्टार्ट करेंगे वो हम स्टेप देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहला हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे. उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे. ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडोब मास्टर कलेक्शन CS6 का. ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो ऑप्शन आएंगे, एडोब फ्लैश शॉप प्रोफेशनल CS6, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका एडोब फोटोशॉप का, एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6 का आपका स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है आपके स्क्रीन पे. अंडर द क्रिएट न्यू पेन सेलेक्ट द एक्शन स्क्रिप्ट. आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे ओपन हो गया. ठीक है, जैसे ही आप अपना ओपन किए तो यहाँ पे आपको सर्टेन प्रोवाइड हो गए फैसिलिटीज़, आपको क्या करना है क्या नहीं. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे सिलेक्ट करते हैं.
करने पर उसके बाद आपको एक्शन स्क्रिप्ट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। एक्शन स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो आपका एक न्यू फ्लैश फाइल अपीयर होता है। क्या? एक न्यू फाइल अपीयर होता है और उसके बाद आप उस पर परफॉर्म करते हैं अपने टास्क को, अपने ऑपरेशन को। उसके बाद जब हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, अपने फाइल को सेव करते हैं, फ्लैश फाइल को सेव करते हैं। उसका जो एक्सटेंशन कोड होता है वो .fla, यानी हमारा जो फ्लैश फाइल का जो एक्सटेंशन होगा, जो उसका एक्सटेंशन कोड होगा वो हमारा .fal होगा। इस तरीके से आपका फाइल, फ्लैश फाइल इस एक्सटेंशन कोड के साथ सेव हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लैश विंडो। इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका है मीनू बार। देन द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द फ्लैश विंडो इज़ मीनू बार। मीनू बार इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द फ्लैश विंडो। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस वन, ये सबसे ऊपर आपके फ्लैश विंडो के ऊपर इंडिकेट कर रहा है, इसे बोलते हैं मीनू बार। इट हैज़ द वेरियस मीनूज विच कंटेन द कॉमन कमांड्स फंक्शन सच एज सेविंग, ओपनिंग, एडिटिंग, सो ऑन। यहाँ पे ऐसे कुछ कमांड दिए होते हैं, फंक्शन दिए होते हैं जो आप यूज़ करते हैं वाइल यू क्रिएटिंग योर फंक्शन, वाइल यू क्रिएटिंग योर टास्क, ठीक है। तो इसमें आपको सर्टेन फंक्शन प्रोवाइड की जाती है, जैसे आपका सेविंग हो गया, ओपनिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, और बहुत सारे ऑप्शन कमांड फंक्शंस आपको इस मेन्यू बार के ज़रिए आपको देखने को मिलती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द टाइटल बार। टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंट फाइल। ये टाइटल बार आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका करेंट फाइल का नेम शो करता है कि आप कौन से फाइल काम कर रहे हैं, उसका क्या नेम है, वो आपको टाइटल बार पे शो करता है। द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इज़ अनटाइटल वन। अगर आप इसे नेम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो जैसे ही ओपन करते हैं न्यू फ्लैश फाइल, तो आपका यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल वन के नाम से शो होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। जब ये शो करता है तो यानी आप न्यू फ्लैश फाइल पे वर्क कर रहे हैं, और करने के बाद आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे नेम प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद जा कर के आपको ये नेम यहाँ पे टाइटल बार पे शो होगा जब आप सेव करने के बाद देखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्टेग। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर वाइट एरिया present in the center of the flash screen. It is the main work space where you can place the content such as graphics, object, text, video, clips and so on. You can also create drawing and movies in this area. यानी एक ऐसा rectangular white area है center में flash screen के, आप देख रहे होंगे, this is the stag. ये एक ऐसा rectangular white area है जहाँ पर आप अपना वर्क करते हैं, यहाँ पे वीडियो लेना हो, ऑडियो लेना हो, इमेजेस लेना हो, ठीक है, वो सारा चीज़ आप इस एरिया के अंदर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेस्ट बोर्ड। इट इज़ द लाइट ग्रे एरिया अराउंड द स्टैग। दिस एरिया इज़ यूज टू स्टोर द ऑब्जेक्ट अंटिल यू विश यू टू डिस्प्ले ऑन द स्टैग। यानी ये एक ऐसा लाइट ग्रे एरिया है जो आपके स्टैग के जस्ट आपके बगल में रहता है, और ये एरिया स्टोर करके रखते हैं आप जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। जब तक आप उसे नहीं चाहते हैं कि वो आपका डिस्प्ले हो आपके स्टैक के पास, तब तक वो आपके पेस्ट बोर्ड में ही रहेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पेस्ट बोर्ड है एरिया। ये पेस्ट बोर्ड एरिया जहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे ये यहाँ पे रहेगा। जब तक आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ वॉकिंग एरिया में नहीं दिखेगा। दिस इज़ कॉल्ड द पेस्ट बोर्ड, ओके। द नेक्स्ट इज टूल्स पैनल। इट कंटेन वेरियस टूल दैट हेल्प यू इन ड्राइंग, पेंटिंग, सेलेक्टिंग एंड मॉडिफाइंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑब्जेक्ट। ये टूल पैनल वेरियस टूल को रखता है अपने पास। ये टूल्स आपको मदद करती है ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में, सेलेक्टिंग और मॉडिफाइंग टेक्स्ट और ग्राफिक ऑब्जेक्ट। यानी इन टूल की मदद से आप चाहे ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या तो सेलेक्ट या तो मॉडिफाई, यानी कुछ भी आपको टेक्स्ट में एडिट करना हो, ग्राफिक्स में एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो आप
टूल्स पैनल की मदद से सर्टेन टूल्स को यूज़ कर करके आप उसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सर्टेन टूल्स पैनल यहाँ दिख रहा है, दिस इज़ द टूल पैनल, यहाँ पे आपको सर्टेन टूल पैनल मिल रहा है, दिस इज़ द टूल पैनल, ओके, दीज आर द टूल पैनल्स, यहाँ पे सर्टेन टूल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। टाइमलाइन, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर विंडो प्रेजेंट बिलो द स्टैग, बिलो द स्टैग, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर पेन है, ये जस्ट स्टैग के नीचे रहता है, ठीक है। उसके बाद टाइमलाइन इज़ यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और कंटेन ऑफ अ मूवी, यानी टाइमलाइन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि ये आपके मूवी के कंटेन को, ऑब्जेक्ट को, उसको सीक्वेंस में रखता है, ठीक है। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ टाइमलाइंस आर फ्रेम्स, की फ्रेम्स, लेयर्स एंड प्लेहेड, इसके टाइमलाइन के कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट है जो फ्रेम्स हैं, की फ्रेम्स है, लेयर्स है और प्लेहेड, इनके टाइमलाइन के ये चार मेन कॉम्पोनेंट है। पहला आपका है फ्रेम्स, आर इंडिकेट बाय लिटिल रेक्टेंगुलर सेल ऑन द टाइमलाइन, ठीक है, ये फ्रेम देख रहे हैं, दिस इज़ द फ्रेम, यानी जस्ट ये टाइमलाइन पे ही आपको शो होगा ये फ्रेम, यानी आप कोई मूवी जो क्रिएट करते हैं उसका ये फ्रेम यहाँ पे तैयार करता है, कोई पिक्चर का, इमेजेस का, कोई भी आप लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे उसका फ्रेम तैयार करता है, छोटे छोटे फ्रेम आपको दिखेंगे। फ्रेम आर यूज टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे आपका कोई वीडियो या इमेजेस ऐड किया गया है फ्रेम के रूप में दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट भी उस वीडियो के फ्रेम में रख सकते हैं, इमेज में कर सकते हैं। देन की फ्रेम्स, की फ्रेम यूज टू डिफाइन द मेजर चेंजेस इन द स्टैग स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम यू कैन शो एनिमेशन सच एज चेंज इन द पोजिशन, कलर, शेप एंड ऑब्जेक्ट। की फ्रेम आपको इस्तेमाल होता है कुछ चेंजेस लाने के लिए, आप अपने ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप की फ्रेम की मदद से कर सकते हैं, जैसे आप कोई एनिमेशन को या उस मूवी के पार्ट को या उस इमेज के पार्ट को, उसका पोजीशन चेंज करना है, इमेज को पोजीशन चेंज करना है, कलर करना है चेंज, या शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, तो आप की फ्रेम के ज़रिए, ये देख रहे हैं आप, की फ्रेम के ज़रिए आप उसे कर सकते हैं। अ की फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट विद इन अ फ्रेम, ये डॉट फ्रेम ये देख रहे हैं आप, दिस इज द डॉट फ्रेम, ये आपका डॉट फ्रेम में आपको दिखेगा और इसकी मदद से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेयर्स आर लाइक अ स्टैक ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट, ईच लेयर कैन होल्ड ओनली वन एनिमेशन एट अ टाइम, इज ट्रीटेड एज अ इंडिविजुअल थिंग, बाई डिफॉल्ट अ फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन अ सिंगल लेयर, लेयर एक तरह का ट्रांसपेरेंट शीट है, ठीक है, लेयर एक तरह का ट्रांसपेरेंट शीट है, आपको देखने को मिलेगी, सो लेयर एक तरह का ट्रांसपेरेंट शीट है जो आपको एनिमेशन को होल्ड करके रखता है कि आप उसमें कुछ ऐसा वर्क कर सके, कुछ चेंजेस ला सके, ठीक है। By default, a flash document open with a single layer. मतलब जब भी आप देखते हैं flash document में, ये एक single layer को ही open करता है layer, ठीक है, यानी single layer ही open होगा आपके flash में हमेशा। You can add new layer to flash document later on in order to organize the content or animation. आप चाहते हैं तो एक नया layer भी आप अपने document में बाद में इसमें organize कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं, यानी आप अपने कंटेंट में, एनिमेशन में अनदर लेयर देना चाहते हैं तो आप इसे लेयर के द्वारा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज प्ले हेड, इंडिकेट्स द फ्रेम इज प्लेइंग ऑन अ स्टैग, प्ले हेड कहने का मतलब है कि आपका वो जो स्टैग के नीचे दिख रहा है कि ये प्लेइंग एरिया है, कि आपका जैसे जैसे वो चलेगा वीडियो या जो भी एनिमेशन, तो वो प्लेइंग हेड के द्वारा उसे शो करेगा कि आपका वो चल रहा है, प्ले मोड में चल रहा है, ठीक है। इट इज़ इंडिकेट बाय रेड रेक्टेंगुलर विथ अ वर्टिकल लाइन, ये आपको इंडिकेट करेगा रेड वर्टिकल लाइन में, ये जो देख रहे हैं ये रेड वर्टिकल लाइन में आपको दिखेगा, ये आपको आपका प्लेइंग मोड में वो चलता रहेगा। देन प्रॉपर्टी पैनल,
Anything that you add a flash document such as text, shape, image, graphic, video and so on is called object. कुछ भी अगर flash document में आप add करते हैं, चाहे वो text हो, shape हो, image हो, graphic हो या video, तो उसे हम बोलते हैं object. क्या बोलते हैं? Object. When you select any object on a stack, अगर कोई select करते हैं object अपने stack में, ठीक है, its property are displayed in the properties panel. जब कोई stack में आप कोई object select करते हैं, तो वहाँ पे आपको property panel में आप देख रहे हैं, उसकी description उसके बारे में बताती है, ठीक है? ये है प्रॉपर्टी पैनल का काम. दिस लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज वेरीज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड. जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको डिनोट करती है, शो करती है आपके प्रॉपर्टी पैनल में, ठीक है. यू कैन ऑल्सो मेक चेंजेस टू ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट एट्रिब्यूट इन प्रॉपर्टीज पैनल. अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में डॉक्यूमेंट एट्रिब्यूट को, तो आप प्रॉपर्टीज पैनल के जरिए आप उसे कर सकते हैं. ओके, here is your topic finished. The next topic is in the next video. Thank you.